हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम एक चित्र पहेली के ज़रिए से हम लोग सीखेंगे कि जानवरों के क्या क्या नाम हो सकते हैं और जानवर क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या खाते हैं, उनसे बड़ा कौन है, उनसे छोटा कौन है, वो किससे डरते हैं, कितने बड़े हैं। तो इसको हम लोग खेलेंगे। इसका नाम है पहचाने व खाली जगह में शब्दों को भरें। तो ये एक वर्ग पहेली है, चित्र पहेली टाइप की है। इसमें आपको पहले पहचानना है, पहले आपको देखना है, पहले सोचना है, समझना है, उसके बाद आपको उस जानवर के नीचे या ऊपर किसी जगह पर लिख देना है कि ये जानवर का नाम ये है या ये खाता क्या क्या है। चलिए इसे शुरू करते हैं। बच्चों, मैं एक हूँ, फुल स्टॉप। मुझे यह और यह खाना पसंद है, फुल स्टॉप। मेरे नाम का मतलब दरियाई, खाली जगह होता है, फुल स्टॉप। मैं एक जानवर बना हुआ और दूसरा जानवर बना हुआ के बाद धरती का सब तीसरा बड़ा जानवर हूँ, फुल स्टॉप। मैं एक जानवर है दूसरा और दूसरा जानवर से डरता हूँ। अब आपको देखना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद अपना जवाब लिखना है या बोलना है। तो बच्चों, में एक क्या हूँ, इसका नाम क्या है, हिप्पो हूँ, हिप्पो, फुल स्टॉप। मुझे ये क्या लग रहा है आपको, मुझे घास, ग्रास, ग्रास और पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, लीव्स, लीफ, लीव्स, एक पत्ती को लीफ कहते हैं और कई पत्तियों को लीव्स, LEAVES, लीव्स पसंद है, खाना पसंद है, फुल स्टॉप। मेरे नाम का मतलब दरियाई, दरियाई मतलब रिवर्स, नदी। ये कैसा लग रहा है बच्चों, घोड़ा, हाँ, दरियाई घोड़ा होता है, इसका नाम हिंदी में दरियाई घोड़ा होता है। हिप्पो का नाम, तो हिप्पो का नाम अंग्रेज़ी में हिप्पो कहते हैं और हिंदी में इसको दरियाई घोड़ा कहते हैं। दरिया में रहता है, समंदर में रहता है, पानी में रहता है, ठीक है। मैं इस जानवर को क्या कहते हैं, हाथी, हाथी का मतलब एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। और ये क्या है, गैंडा, इसके एक सिंग होता है मुंह पर, गैंडा, रहनो, राइनो। के बाद धरती का तीसरा बड़ा जानवर हूँ, मतलब एलिफेंट राइनो के बाद धरती का तीसरा बड़ा जानवर होता है हिप्पो, दरियाई घोड़ा, फुल स्टॉप। अब आगे क्या है, मैं इस जानवर से और इस जानवर से डरता हूँ, इन दो जानवरों से डरता हूँ मैं। तो इस जानवर का नाम क्या है बच्चों, आप तो जानते होंगे, शेर, लायन, LION, लायन, लायन से डरता हूँ। और ये क्या है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल से डरता हूँ। तो ये किससे डरता है, लायन और क्रोकोडाइल से। तो पूरी वर्ग पहली हो गई कि बच्चों, में एक हिप्पो हूँ, मुझे घास, ग्रास और पत्तियाँ, लीव्स खाना पसंद है, मेरे नाम का मतलब दरियाई घोड़ा होता है, मैं हाथी और राइनो गेंडा के बाद धरती का तीसरा बड़ा जानवर हूँ, फुल स्टॉप। मैं शेर से और मगरमच्छ से डरता हूँ। बच्चों, ये हमने उत्तर लिख दिए हैं आप क्या उसके लिए, सरलता के लिए, कि पहला हिप्पो है, दूसरा घास, तीसरा पत्तियां, चौथा घोड़ा, पांचवा हाथी, छठवां गेंडा, सातवां शेर और आठवां मगर, ठीक है बच्चों। तो ये हुई आज की चित्र पहेली, पहचाने व खाली जगह में शब्दों को भरना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हिंदी में और अंग्रेज़ी में कुछ शब्दों के नाम पता लगे होंगे, जैसे कि हिप्पो है, घास है, ग्रास, पत्तियां, लीव्स, घोड़ा, हॉर्स, हाथी, एलिफेंट, गेंडा, राइनो, शेर, लायन, मगरमच्छ को क्रोकोडाइल कहते हैं, ठीक है बच्चों। इन सबको आप सावधानी पूर्वक भरिए, देखिए, समझिए और लिखिए अपनी कॉपी में। धन्यवाद, थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरीके से आत्मसात करेंगे और पढ़ाई करेंगे और पहचानेंगे, उसके बाद याद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।